أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأقم الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله عزیزان محترم بزرگوں نوجوانوں شہنشین پر قائدین تحریک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے آپ पेशर मुखरिर को समात फरमा रहे थे आज के जलसा बाबरी मस्जिद की शहादत के उनवान से मुनक्किद किया गया है। 6 दिसंबर 1952 का दिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मनहूस दिन करार दिया जाता है जहां पर हिंदुस्तान के दस्तूर के परखचे उड़ा दिए गए, सेकुलरिज्म की थज्जियां उड़ा दी गई और गुंडागर्दी का नंगा नाच रचाया गया था। वही 6 दिसंबर जिस दिन अल्लाह का घर यानी 450 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मुसलमानों की कयादत दिल्ली में बैठे तमाशा देख रही थी। मैं आपको सरसरी तौर पर बाबरी मस्जिद की तारीख बताते हुए आपको बताना चाहता हूं कि ये बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो मनगढ़ंत बातें की गई अग्यार की जानिब से, असल में बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बनाया, शहनशाह बाबर ने नहीं बनाया, बल्कि इस मस्जिद की तामीर हुसैन शर्की एक बादशाह थे शर्किया डायनेस्टी के। उन्होंने 2 मसाजिदें तामीर की थी, एक अयोध्या के अंदर जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया और दूसरी जवनपुर अटाला के अंदर। उसी तर्ज की मस्जिद आज भी मौजूद है, जवनपुर के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से बाबर की पैदाइश से 16 साल पहले तामीर की गई थी इस मस्जिद, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। यह मस्जिद तनाजा कहां से बनी, जब हिंदुस्तान के अंदर आज जिस तरीके से कांग्रेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वालमार्ट को लाने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान की गलियों के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब और छोटे छोटे रिटेल व्यापारियां हैं उनको बेसरो सामानी के हवाले छोड़ना चाहती है और वालमार्ट का कब्जा कराना चाहती है सारे हिंदुस्तान पे, उसी तरीके से हिंदुस्तान में उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम जमाया। और उसके बाद अवध के बादशाह नवाब वाजिद अली शाह थे, तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि वाजिद अली शाह की हुकूमत में हिंदू और मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर जो है बादशाह का साथ देते हैं, तो हम किस तरीके से जो है ना अवध के बादशाह को कमजोर करना है। तो उन्होंने अवध के बादशाह नवाब वाजिद अली शाह को माजूल करके हिंदू और मुसलमानों में तफरका पैदा करने के लिए बाबरी मस्जिद के बाहर एक कदबा लगवा दिया और यह कहा कि यह राम जन्मभूमि है, यहां पर राम पैदा हुए थे कहकर कहा। लेकिन कुछ अरसे के बाद में हिंदू और मुसलमानों में तनाजा कुछ अरसे के लिए थम गया। जब फिर से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब कयाम अमल में लाया गया, फिर से मुसलमानों में और सनातन धर्मियों के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए। सनातन धर्मी राम जन्मभूमि के दावेदार बने और मुसलमान ये कहते रहे कि ये बाबरी मस्जिद है, इसके ऊपर जो है ना राम का दावा नहीं किया जा सकता। फिर कुछ अरसे के बाद यह मामला फिर दब गया और जब हिंदुस्तान को आजादी मिली 1947 में,
और फिर 1949 दिसंबर में जब हिंदुस्तान जमहूरिया बनने वाला था, आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। उस वक्त हिंदुस्तान में दो ही जमातें थीं, एक कांग्रेस थी और दूसरी कम्युनिस्ट जमातें थीं। तो कांग्रेस के सियासी पंडितों ने यह फैसला किया कि जो दिया गया और मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। बहरहाल ये मसला जो है, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम बनी और उसके बाद में वीपी सिंह हिंदुस्तान के वजीर आजम बने और दीगर लोग जो है ना इस विजारत उस्मा पे विराजमान होते रहे। लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाए और वहां पर शिलान्यास करें। वो ये जानते थे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बाबरी मस्जिद का ताला खोलें और वहां पर जो है ना शिलान्यास करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान दस्तगीरबार हो जाएंगे और हिंदुस्तान की एकता को खतरा लाहक हो जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद में जब हिंदुस्तान की वजारत उस्मा के ऊपर नरसिम्हा राव विराजमान हुआ, उससे पहले राजीव गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने और 1986 के अंदर पार्लियामेंट में शाहबानू केस के सिलसिले में एक पर्सनल लॉ बिल पास की गई और उस पर्सनल लॉ बिल पास करने के बाद में हिंदुस्तान का अक्सरियती तबका हिंदू अफराद से जो है ना था और उन्होंने एतराज किया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए तुमने तो जो है पर्सनल लॉ बिल पास किया है लेकिन अक्सरियत हिंदुओं की है, उनको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो चंद जो है ना सियास पंडितों ने जिसमें अरुण नेहरू वगैरह थे, उन्होंने मशवरा दिया कि जो है शिलान्यास की इजाजत दी जाए। तो दिन के 12 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में के पांडे के इजलास के ऊपर राजीव गांधी की वजारत उस्मा के अंदर यही कांग्रेस हुकूमत में जो है ना वहां पर एक पिटीशन दाखिल किया गया और दिन के 2 बजे जो है शिलान्यास की इजाजत दे दी गई। यानी 40 साल से मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दी गई बल्कि उन बेजान मूर्तियों को जो है ना निलाने धुलाने और पूजा पाठ करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है ना अक्सरियत जिसकी है हिंदुओं को, उनको इजाजत दे दी गई पूजा करने के लिए। तो उसके बाद में मुसलमानों की तरफ से भी उस मस्जिद के तहफ्फुज के लिए एक कमेटी कायम की गई जिसका नाम बाबरी मस्जिद राबिता कमेटी था, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी जब कायम की गई तो उसके अंदर हिंदुस्तान के जितने भी जो है सियासी कायदीन थे, कहीं शहाबुद्दीन थे तो कहीं जफरयाब जिलानी थे तो कहीं जो है ना इब्राहिम सुलेमान सेठ थे मुस्लिम लीग के, तो हैदराबाद से जो है काणे कव्वे को भी जो है ना मधु किया गया उस कमेटी के अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ, आज बड़े दारुसलाम से बाबरी मस्जिद का जलसा करके ऐलान किया जा रहा है, मुसलमानों इत्तेहाद वक्त का तकाजा है, आप मुत्तहिद हो जाइए, हमको जालिमों से लड़ना है, हमको जो है ना काफिरों से लड़ना है, हमको मुकाबला करना है, कहकर बड़े जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक बात इत्तेहाद के दावेदारों से, पलंग बांग इत्तेहाद करने वाले जिनको सिर्फ इलेक्शन के वक्त किसी को एमपी बनाने के लिए या किसी को एमएलए बनाने के लिए इत्तेहाद की दुहाई दी जाती है, हरी गुम्बत की दुहाई दी जाती है, उस वक्त चाले चल के जो है लोगों के अंदर मुसलमानों में मिल्लत इस्लामिया में फिरके और मसलकों की बात करके मुसलमानों को मुंतशर करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनाब सलाहुद्दीन आज जिंदा नहीं है लेकिन उस वक्त उनको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर किसने बनाया, ये निफाक किसने पैदा किया, राबेता कारक कमेटी में दलाल किसने डाली, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा किसने किया। यही तो थे जो नरसिम्हा राव के एजेंट की तरह काम कर रहे थे और नरसिम्हा राव के एजेंट की हैसियत से इन्होंने हैदराबाद में थे दिल्ली से ऐलान हुआ कि जनाबे ओवैसी हम तुमको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर बनाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान दिल्ली के प्रगति मैदान में या लाल किले में जमा होकर ये नहीं कहा कि सलाहुद्दीन हम तेरी बलंदबान शख्सियत से मुतासिर होकर हम तुमको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर बनाते हैं, ऐसा नहीं कहा गया बल्कि आवाज नरसिम्हा राव के ऐवान से निकली थी और आपको ये सोचना चाहिए था ये मसला यूपी का है और अयोध्या के मुसलमान इसकी बागडोर संभाले और हम हैदराबाद से जो है ना उनकी पुश्त पनाई करने के लिए जो है ना काम कर सकते थे। लेकिन ये शख्स सोच रहा था ये जाहिल
ये समझ रहा था कि जब मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर बन जाऊंगा तो मेरा नाम बीबीसी लंदन से आएगा, मेरा नाम वॉइस ऑफ अमेरिका से आ जाएगा और मैं इंटरनेशनल लीडर बन जाऊंगा, कहकर ये तस्वुर से खुशी खुश हो रहा था दिल में। लेकिन खान साहब दारुसलाम में बैठे उस वक्त कहने लगे, जनाब अवैसी साहब ये बड़ा नाजुक मरहला है, आप जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर का ऐलान हुआ है किसकी बुनियाद पे बनाए हैं और किसकी ईमा के ऊपर आप सदारत का जो है ना बन रहे हैं, क्यों निफाक डाल रहे हैं राबिता कमेटी के अंदर, हम इत्तेहाद का मुजाहरा करने की जरूरत है हमको इस मरहले के ऊपर, हम निफाक करके दो कमेटियां बना के अलग अलग रास्ते पे जाना नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान है तो मस्जिद अल्लाह का घर है और मुसलमानों का ईमान है मस्जिद, उसके तहफ्फुज के लिए हमको अलहदा रास्ते अख्तियार करना नहीं चाहिए, हमको एक ही रास्ते के ऊपर काम करना चाहिए, हमारी ताकत को खुदारा पारा पारा मत करो कहकर बारह चिल्लाते रहे। लेकिन इनके अपने मफादात थे। इसके बाद हुआ क्या, बाबरी मस्जिद का मसला चलते रहा, इधर राबेता कमेटी इन्हों आते हैदराबाद के अंदर जनाबे सालारे मिल्लत तकरीर करते चार मीनार पे और जिसकी आवाज काली कमांड तक नहीं जाती, मछली कमांड तक नहीं जाती, गुलजार हाउस तक नहीं जाती, खड़े होकर तकरीर करते और ये तकरीर करते, मुसलमानों बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि में एक चट्टान है तो उसका नाम सलाहुद्दीन अवैसी है, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की हलक में एक कांटा है तो उसका नाम सलाहुद्दीन अवैसी है, कहकर तुम तकरीरें करते रहे। अजीजाने मोहतरम, मुसलमान मासूम था और मुसलमान कयादत पे भरोसा कर रहा था और ये समझा कि हमारी कयादत जो है लाखों सरफरोशा ने इस्लाम का दस्ता तैयार कर रखा है, लेकिन मुसलमान हकीकत से वाकिफ नहीं था कि मुसलमानों का नींद की खाबावर गोलियां खिला खिला कर थपक थपक कर सुलाते रहे और ये कहते रहे कि हमारा मौकफ मजबूत है, मस्जिद को धक्का नहीं लगेगा, मस्जिद को कोई शहीद नहीं कर सकेगा, कहकर मुसलमानों को दिलासा देते रहे और यही दिलासे के ऊपर मुसलमान भरोसा करता रहा। नतीजा यह हुआ उसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग का आगाज हुआ और उस मीटिंगों के अंदर जिसका कोई मुफीद नतीजा बरामद होने की तवक्को नहीं थी तो आप वो मीटिंगों में शरीक होते रहे। मुरली मनोहर जोशी के गले में हाथ, इधर इधर बाजू वाजपेयी खड़े हैं उनके गले में हाथ डाल के खड़े के तस्वीर कशी करवाई आपने। बात बताइए, आप जो है ना एक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो रहा है, आप जो है ना आपका फरीक जब आपके सामने आता है उस मसले में तो क्या आप गले में हाथ डाल के बात करते हैं? नहीं, आपकी आंख लाल हो जाती है, आप आग बगोला हो जाते हैं, उसके गिरेबान पे हाथ डालने के लिए आप बेचैन हो जाते हैं, लरस जाते हैं। लेकिन वैसा मामला नहीं था, अगर ईमान की हरारत होती, वाकई मस्जिद के तहफ्फुज के लिए तुम जिद्दोजहद करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए हुए होते तो 1,00,000 सरफरोशा ने इस्लाम के नौजवानों का जत्था जो है बाबरी मस्जिद के तहफ्फुज के लिए वहां पर जमा कर देते। हदीये है, मजाक इतना हुआ कि कभी आपने अयोध्या और बाबरी मस्जिद का दौरा तक नहीं किया, उस मुकाम कैसी है बाबरी मस्जिद देखने के लिए नहीं गए तो फिर बताइए कैसे तहफ्फुज किया जा सकता था। बहरहाल बात हो रही थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग की और उसमें तहरीक बनने के बाद मुगलपुरा प्लेग्राउंड जो है ना शाहिद है और जिन लोगों ने उस नुमाइश को देखा मुगलपुरा प्लेग्राउंड के अंदर जिसमें सलाहुद्दीन की तस्वीरें हमने लगाई थी, तमाम जो है ना जो मुरली मनोहर जोशी के साथ, अडवाणी के साथ, अशोक सिंगल के साथ एक तस्वीर तो ऐसी थी कि आप बैठे हुए हैं कुर्सी पे, बाकी पूरे जो है ना पीछे खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि उनको अपना काम करवा लेना था, तुम्हारे को इस्तेमाल करना था, मस्जिद को शहीद करवाना था, ऐसी तस्वीरें हम लगाए उसके बावजूद भी कौम की आंख नहीं खुली। नतीजा यह हुआ हम शवाहिद भी पेश करते गए, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा बल्कि उसकी निशानियों से खुदा की कुदरत को तो बंदा पहचानता है और उसकी इबादत में मशगूल हो जाता है। उसी तरीके से 1990 का इलेक्शन आया, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर सलाहुद्दीन हैदराबाद के एमपी बने और आपका मध्य मुकाबले में कौन था? पदमपाल रेड्डी बीजेपी का उम्मीदवार था। हारने के बाद पदमपाल रेड्डी ने अदालत में एक मुकदमा डाला, रिट पिटीशन 1991 डालने के बाद आप परेशान हो गए, मेरी एमपी की सीट चले जाएंगी, तो फिर आप तो दलाली में लगे ही थे तो मुरली मनोहर जोशी का टेलीफोन आता है विद्यासागर राव को, उस वक्त के बीजेपी के सदर हैदराबाद के,
कि मामले को रफा दफा करो, सलाहुद्दीन को परेशान मत करो, हमको इससे काम लेना है, हम बड़ा काम कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अदालत के अंदर जिस बदम्बा लड्डी ने सलाहुद्दीन की तकारीर के कैसीटें पेश की थी मजिस्ट्रेट के पास, और जब मजिस्ट्रेट कैसीटों को बजाता है इजलास के ऊपर, तो बदम्बा लड्डी को पूछता है ये आवाज किसकी है, तो बदम्बा लड्डी सलाहुद्दीन की आवाज पहचानने से इनकार कर जाता है और अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर जो है ना मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। क्या ये हकीकत नहीं है? ये क्या सौदेबाजी का सबूत नहीं है आपके सामने? अभी भी तो आंख नहीं खुलती है? अरे इलेक्शन, हम भी जो है ना जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज, जो है तहरीक जो है ना मैदान में इंतखाबात में इसीलिए आती है ताकि हक की आवाज को जो है ऐवानों के अंदर बुलंद किया जाए। ये नहीं ड्रामे करना, सौदेबाजी करना हमारा वतीरा नहीं है, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत लेके हम जिंदगी बसर नहीं करते। जिनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत रहती है वो मसलहत पसंदी की बेड़ियां उनके पैरों में पड़ती हैं और वो गैरों से अख्यार से खौफ ज्यादा होते हैं। जैसे देखे हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम पे मुसलमानों पे एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर अख्यार जो है ना मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे, उस तरीके से टूट पड़ेंगे जैसे कि जो है ना एक भूख का जो है ना जानवर जो है ना खाने के प्याले के ऊपर टूट पड़ता है, उसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर अख्तियार टूट पड़ेंगे। आज देख रहे हैं वही हालात आपके सामने हैं। फिर पूछा क्या हम तादाद में कम रहेंगे? फरमाया तादाद में भी कम नहीं रहेंगे। फिर पूछा कर वजह क्या रहेगी? वजह यही रहेगी कि उनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत घुस जाएगी और वो जो है ना मरूब हो जाएंगे और वो डरपोक बन जाएंगे और मसलियत पसंदी की बेड़ियां उनके पैरों में पड़ जाएगी। जब कौम के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत जागृत हो जाएगी तो याद रखो यही जो है ना हाल जो आज आप देख रहे हैं। दुनिया की तारीख आज बताती है कि इंकलाबात के जो है ना सारी दुनिया में बर्पा हो रहे हैं। कहीं मिस्र के अंदर इंकलाब बर्पा हुआ तो कहीं जो है ना लीबिया के अंदर इंकलाब बर्पा हुआ, लेकिन इंकलाब नहीं आता है तो पुराने शहर के जो है ना ओल्ड सिटी के अंदर इंकलाब नहीं आता है। आखिर तुम्हारी रगों के अंदर इतना खून जो है ना सर्द क्यों हो चुका है? आज जाओ घर को जाकर गौर और फिक्र करो, आखिर क्या बात है, हम क्यों जो है ना इंकलाब बर्पा नहीं करते जो है ना, सोचो, ये फिक्र की बात है। तो बात आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं, बहरहाल 3 दिसंबर से पहले विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर की बात करने वाले और ये कहते थे कि अब तो वहां रामलला स्थापित हो गए हैं और अब कोई जो है ना वहां राम की मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता कहकर ऐलान 3 दिसंबर से शुरू हुआ। तो उसके बाद एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई गांधी भवन के अंदर। मैंने खड़े रहकर उस वक्त के जो है ना चीफ मिनिस्टर, उस वक्त के जो है ना कांग्रेस के सदर से कहा, और नरसिम्हा राव का बेटा उस वक्त वहां पर मौजूद था, मैंने कहा कि जाओ तुम्हारे पिताजी से कहो कि कल्याण सिंह की हुकूमत पर भरोसा ना करें, अगर भरोसा करेंगे तो याद रखो कि बाबरी मस्जिद शहीद हो जाएगी तो हिंदुस्तान की एकता को खतरा लाहक हो जाएगा। इसकी गवाही अफजलुद्दीन दे सकते हैं, इसके अफजलुद्दीन जो है ना मेरी इस तकरीर की उस आज भी बोल सकते हैं वो, कि मैंने उसी वक्त पेशनगोई कही थी कि जो है ना ये वाकया होने वाला है, रोनुमा होने वाला है। लेकिन मौजूदा क़यादत जो बड़े बड़े बातें करने वाली और ये तकरीर करती कि मुसलमानों को बेवकूफ समझ के तकरीर करती कि मुसलमानों तुम में हमारे में जो फर्क है, तुम हम हवाओं की बू सूंघकर कह देते हैं कि बारिश आने वाली है, तुम उस वक्त बारिश की गवाही देते हैं कि जिस वक्त बारिश की बूंदे तुम्हारे जिस्म को भिगो देती है, यही हवाओं में भू सूंघ कर कहने वाली क्यादत क्या बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई? क्यों दूरंदेशी का मुजाहरा नहीं किया उस वक्त? नागबंथी कहते सर, अरे आप बोल लेते हो उस वक्त एक दो ड्राफ्ट डाल लेता निजीवियान के आर्टरीन के खुल लेता, जो डॉक्टर तो था ही ना। तो इसी तरीके से नाकबंद थी, मतलब ये हकीकत में जो है ना नाकबंद नहीं थी बल्कि मसलहत पसंदी का मामला था। इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत जागृति हो गई थी। तो उसके बाद में नतीजा यही हुआ कि जो है वो सूंघ कर कहने वाले बाबरी मस्जिद की शहादत से कौम को भी बाखबर नहीं रखा और खुद भी जो है ना हरकत नहीं किए, कोई एक्शन नहीं दिखाया। नतीजा ये निकला कि 6 दिसंबर 1992 को दुनिया सुकड़ के प्यास की डल्ली बनी हुई, आज स्टार टीवी के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से सारी दुनिया देख रही थी बाबरी मस्जिद शहीद हो रही है और लोग अश्कबार हो रहे थे। हैदराबाद क्या जांजा भी मुसलमान बसते थे, उन गलियों के अंदर जालिम पुलिस वालों की बंदूक की नालियां मुसलमानों के सीनों और सरों को बौछार कर रही थी
और हैदराबाद के अंदर खयादत के दावेदार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कोई नहीं था, सिर्फ एक ही शख्स था, अमानुल्ला खान साहब थे। जब मैं गाड़ी चला रहा था और खान साहब बाजू बैठे हुए थे, जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों को सिमोट रही थी, सिमेटती है, उसी तरीके से जो है ना खान साहब इन हलकों में घूम रहे थे, फिर रहे थे कई मुकामात के ऊपर, कई जो है ना तलाक कट्टे के ऊपर, याकूतपुरा रैन मजार के अंदर और कई दूसरे मुकामात के ऊपर पुलिस के अहदेदारों से उलझते रहे और जो है ना बंदूक की नालियों को पीछा करते गए और फायरिंग करने से रोकते गए और खान साहब तनाव पे तकबीर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इन्हों क्या कर रहे थे, मस्खती सेठ को टेलीफोन कर रहे थे और खान साहब से डायरेक्ट बात करने की उनमें जरूरत नहीं थी उस जमाने में भी, और कहने लगे खान साहब को कहो कि एहतजाज करने की जरूरत नहीं, मैंने नरसिम्हा राव से वादा ले लिया है बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का, एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। तो खान साहब को जब टेलीफोन आए मस्खती सेठ के, मैंने बोला ऐसा बात करना चाह रहे हैं, तो पूछे पूछ के बोले कि अरे बनाने वाला तोड़ता ही क्यों था मस्जिद को, जो है कहकर जवाब दिया ये सब बेखूब बातें हैं। तो खान साहब जो है पार्टी डिसिप्लिन के तहत काम करते रहे, लेकिन नतीजा ये निकला कि मिल्लत के नौजवान अब कयादत के ऊपर से उम्मीद उठ गई थी और मिल्लत के नौजवान हर गली कूचों में नमाज पढ़ना और एहतजाज करना जमहूरियत के तकाजे के तहत कर रहे थे। तो क्या किया इन्होंने, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद हुई, 8 दिसंबर को दिल्ली से एक ऐलान आया, आजम खान और सलाहुद्दीन के नाम से टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुआ। वो ऐलान क्या था कि जो है ना सलाहुद्दीन और आजम खान ने कहा है कि नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार। परेशान हो गए ऐलान आते कि फिर यही अखबार सियासत में दूसरे दिन तरदीद की गई, इन्हों दिल्ली में थे, तरदीद ये की गई कि कल जो बयान आया है टेलीविजन के ऊपर उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कहकर अखबार में शाया किया। अगर आप ईमान वाले होते, आप सौदेबाज ना होते, आपको मस्जिद से मोहब्बत होती, अरे 55 साल तो 60 साल तो गुजार दिए थे जिंदगी के, अरे बाकी जिंदगी अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते, शहीद हो जाते तो कौम आज कायम खान खड़े रह के इस ताल्लुक से तुम्हारे ताल्लुक से ऐसी बात नहीं करता, खुदा की कसम नहीं करता। इसीलिए कर रहा है ये कायम खान की जबान से ये अल्फाज इसीलिए नहीं कर रहे, तुमने बेईमानी किया अपनी जिंदगी में, मिल्लत इस्लामिया का खिलवाड़ किया, मस्जिदों का सौदा किया और अपने ईमान को बेच दिया। और उसके बाद नौजवान निकले चौरस्तों पे नमाज पढ़ने के लिए, फिर टेलीफोन आया क्या कर रहे हैं, हैदराबाद तुम्हारा शहर है, बोले फिर ये क्या मुसलमान नमाजा पढ़ के तमाशा कर रहे हैं। और ये आप गए जाके विजय भास्कर रेड्डी की हुकूमत को बोले, इनको टाटा के तहत गिरफ्तार करवाया गया, क्या कसूर था हैबिट्स के ऊपर नमाज पढ़ने वालों का, टाटा में गिरफ्तार हुए। होते कि फौरी कुछ लोग खान साहब के पास आए, पहले हमेशा हर कोई मामले में खान साहब के पास आते, खान साहब उठा के उस वक्त के एसीपी नवीन चंद से बात किया तो जवाब यही मिला, अभी ट्रैफिक डिस्टर्बेंस के किस्से में हमने गिरफ्तार किया है, छोड़ देंगे थोड़ी देर में। 11 बज गए रात में, नहीं छुटे, फिर लोग आए, किसी की माँ आई, किसी का बाप आया, मौलाना नसीर भी थे उसमें, तो इसी तरीके से कई लोग आए, फिर उठा के बात किया वक्त के कमिश्नर भास्कर राव से, जवाब यही दिया खान साहब हंसते हुए कह रहा है कि आप अपने लीडर से बात नहीं करे, कि आपके लीडर ने आपको कुछ नहीं बताया क्या। अब समझ लीजिए किस्सा क्या है, यही था कि टाटा में गिरफ्तार हुए, फिर अफसोस की बात यह है कि वही अखबार सियासत में फिर बयान आया कि कल जो हैबिट्स पे नमाज पढ़े उनका ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नहीं है कहकर जवाब आया। आज बेटे जो है बाबरी मस्जिद का कम बड़ा आ गया इनको, अरे शहर हैदराबाद के मस्जिदा शहीद हो गए, जिस तरीके से अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा, जिस तरीके से मौलाना खिजर पाशा ने कहा कि एयरपोर्ट की मस्जिद शहीद हो गई, तो राजशेखर रेड्डी के बाजू बैठ के हंसते हुए कह कह लगा के इफ्तिताह में शरीक हुए, इफ्तिताह का बायकॉट तक नहीं करे। अफसोस का मकाम है मुसलमानों, जागो उठो, वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया है। आज मंदिर का मामला, मंदिर तो जो है ना तकरीबन कई सालों से है, बनाई गई, स्थापित हुई, वहां पर पूजा पाठ हो रही है, तो आज ही आपको एक्सटेंशन और उसका जो है ना आगे बढ़ाने की तामीर का मामला नजर आया। अचानक जो है ना जब फिरका परस नहीं थी कांग्रेस,
अरे हम तो जो है ना कांग्रेस के तालुक से तहरीक कायम हुई जब से भी कह रहे हैं, और जब अमानुल्लाह खान मजलिस में थे उस वक्त से भी कहते आ रहे हैं। यही कांग्रेस थी जिसने मुसलमानों को जो है ना 50 से 60 हजार फसादात की आंख में झोंका। यही कांग्रेस थी जिसने मुसलमानों के आबादियों को तकसीम करके जो है ना रियासत निजाम की जो है ना 3 टुकड़ों में करके जो है ना मुसलमानों की अक्सरियत का जो है ना घटा कर अकलियत में ला दिया गया। इसी तरीके से रियासत हैदराबाद और रियासत निजाम को जो है थोड़ा सा मद्रास को दे दिया, थोड़ा जो है ना कर्नाटक को दे दिया, थोड़ा मराठवाड़े को दे दिया, और रियासत मुसलमानों की तकसीम खत्म करके मुसलमानों की अक्सरियत को खत्म किया, साजिशें चलाई गई। इसी तरीके से मुसलमान हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुलाजिमत में 33% था। यही कांग्रेस के दौर के अंदर मुसलमानों का तनासुब क्या हुआ, मुलाजिमत में 0.5% हो गया। ये तो उठाना का मामला नहीं आता। इस बारे के अंदर मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद करना, ऐवानों में आवाज उठाना, नहीं, हमारी दोस्ती से तुम कांग्रेस जीत के आए, कांग्रेस वाले बोल रहे हमारी वजह से तुम 7 सीटें जीत के आए। हाँ यकीनन कांग्रेस की दोस्ती से तुम 7 सीटें जीते, मशीनों में गड़बड़ हुई, लोग आके बोले कि मशीनों में गड़बड़ हुई। खान साहब हमारे घर वाले जाके, एक बूथ ऐसा है जंगमपेट में जहां मर्दाने में तहरीक को जो है ना 192 वोट मिलते हैं, जनाने के अंदर 1 वोट भी नहीं है तहरीक को। मैं बोला आखिर किस्सा क्या है, पूछेंगे तो लोग सब बोले, हल्फिया आके बोले हम हमारी खवातीन को ले आके वोट दलाए, कैसा नहीं था, ये तो बिल्कुल सरासर गड़बड़। इसके बाद क्या करें आप, श्योर आइडेंटिटी कार्ड ना बनाए, एक एक शख्स के 3-3, 4-4 आईडी कार्ड बनाए, चंद्रायन गुट्टे में ऐसे 45 हजार आईडेंटिटी कार्ड हम वेरीफाई करके जो है ना इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे जाए। लेकिन जो है ना इलेक्शन कमीशन काम का है ना अदालत काम की है, अब इस काम को जो है ना खुद कौम को शऊर बेदार करके अंजाम करना पड़ेगा। ये इससे चलने वाला नहीं, इनकी साजिशों का कैसे मुकाबला करना है उस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। तो अजीजान मोहतरम वक्त की तंगी है तो मैं अपनी गुफ्तगू को और समेटते हुए यही कहूंगा कि जो है बाबरी मस्जिद की जो है ना तहफ्फुज में ये क़यादत नाकाम हो गई। जब कोई वजीर का हादसा हो जाता है, रेलवे का एक्सीडेंट होता है, तो वहां का वजीर मुस्तफी हो जाता है। आप सदारत से बाबरी मस्जिद की मरे दम तक इस्तीफा नहीं दिए, कायम रहे क़यादत के ऊपर, और आज फिर जो है ना बेटे वही मक्कारी अय्यारी इत्तेहाद की दुहाई देने वाले। अरे तहरीक से इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं हो सकता कि तुम चोरबाजारी करते हो, तुम औकाफ की जमीनों को बेचने वाले YSR को जो है ना मुसलमान मरने के बाद यतीम हो गए कहने वाले हो। तुम्हारा ये जमीर है, तुम्हारी ये सोच है, तुम्हारा अगर ये ईमान है तो फिर तहरीक कैसे जो है ना मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, ऐसे चोरों के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। अगर इत्तेहाद अल्लाह को अजीज होता तो परवरदिगार आलम कुरान पाक के अंदर सूरे मोमिनून को नाजिल नहीं करता, सूरे फुरकान को नाजिल नहीं करता, सूरे मुनाफिकून को नाजिल नहीं करता। इसीलिए नाजिल किया ताकि मुसलमानों कुरान को जो है ना तिलावत करो। मुसलमानों तिलावत का मतलब क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं, ये नहीं कि यालमो तालमो पढ़ना तिलावत नहीं कहते हैं, एक नए लफ्ज का जो है ना आपको तर्जुमा बता रहा हूं। तिलावत का मतलब ये है कि फॉलो करना, कमांड्स को फॉलो करना, यानी कुरान के अहकामात के ऊपर अमल करना, उसको तिलावत कहते हैं। ये नहीं खाली पढ़ लिया ट्र 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 तिलावत नहीं, तो जो है ना आप तिलावत को जो है ना इसका मतलब ये है कि अहकामात के ऊपर अमल करना। तो अजीजान मोहतरम तो आज बात यही है कि जो है ये शख्स जो है इस तरीके से जो है ना मिल्लत के साथ खिलवाड़ किए। आज ये लोग जो है मसाजिदों की शहादत हुई, मंदिर के एक्सटेंशन पे बड़ी तकलीफ हुई आपको, मस्जिदें शहीद हो गई तो उस वक्त आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई आवाज नहीं उठाए आप जो है। इसी तरीके से कई मामले हैं बात करने के, बात मुख्तसर करना चाहता हूं क्योंकि जो है जी चाहता है कि जो है ना मैं बोलता रहूं और पूरी रात आप सुनते रहे और इसी तरीके से वक्त गुजरता रहे और उसके बाद जो है ना ये बात आपके जहन नशीन हो जाए और फिर उसके बाद एक इनकलाब बरपा हो। हम चाहते तो सलाहुद्दीन की जिंदगी में ही खान साहब के इंतकाल के बाद जाते और सर पे हाथ रख लेते, कहते सालार आप बड़े लोगों का झगड़ा था, हमारा नहीं है, आपकी सरपरस्ती की हमको जरूरत है, बोले तो मैं भी मौजम खान की तरह एमएलए बन जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रगों के अंदर अकल हलाल की कमाई हुई और वो खून दौड़ रहा है जो हक की सदा को जो है ना हमेशा जो है ना दुनिया की परवाह किए बगैर जो है ना बुलंद करता रहेगा और हमेशा जो है ना किसी मायके लाल से डर नहीं, क्योंकि हम हमेशा मौत को सीने से लगा के फिरते हैं। जो है ना यही वजह है कि जो है ना आज तहरीक का एक कारकुन जाता है तो
तो इनकी जो है ना पैंट गीली हो जाती है, इसीलिए जो है ना ये परेशान रहते हैं तहरीक से। तहरीक के अहबारों में इसीलिए जाने नहीं देना चाहते हैं ताकि वहां पर मिल्लत के मजलूम मुसलमानों का सवाल उठाएगा, मिल्लत के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करेगा और ऐवान के अंदर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए जो है ना लोग समझते हैं इसके बाद साजिशें होती है। रजा पाशा ने कहा कि ऐसी साजिशें हमेशा मेरे साथ होती आई है कि डॉक्टर साहब अच्छे नहीं है भाई, पसंद नहीं है, ऐसा फरमाया गया। कभी कोई कहता कि कायम खान नहीं लड़ना भाई, फलां भाई लड़ना भाई, तो फलां ये सब साजिशों का शिकार मत बना करो। जिसको अल्लाह मुखद्दर में लिखा है मैं अपनी तरफ से जिद्दोजहद करता रहूंगा, आज भी ऐलान करता हूं मेरे भाइयों को, कौन चंद्रा गुट्टे से लड़ना चाहता है, कौन याखुदपुरे से लड़ना चाहता है, कौन बरकपेट से लड़ना चाहता है, कहीं आलम मलिक साहब लड़ना चाहते हैं, आओ मैदान में आके निकल के काम करो। मैं सबके लिए खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मेरे रिश्तेदार की खुदारा कोई हवस नहीं है। मैं जो है ना चाहता हूं कि हक की सदा को बुलंद किया जाए और काम हो मिल्लत का। अगर उसके बाद भी अगर मिल्लत का काम नहीं होता है उनके खिलाफ भी डटना मैं जानता हूं। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये कायम खान की तारीख है और कायम खान की जो है ना तारीफ है कि अमानुल्लाह खान की औलाद है, ये किसी के जो है ना उसमें छांसे में नहीं। भाई लड़ना, वो फलां लड़ना, आइंदा से सुनूंगा ना ये मुक्का ऐसा मारूंगा कि उन मकबरों का ताक जो है ना बत्ती भी टेढ़ी कर डालूंगा जो है। और मैं ये ताकीद भी करता हूं अगर तहरीक के मकासिद से वाबस्ता है तुम लोग हकीकत के अंदर अगर कोई ऐसी बात करें तो फौरी उसका जवाब उसी वक्त दे दिया जाए, नहीं मेरे सामने आके बोल रहे हैं कि उन्होंने बोल रहे थे इन्हों बोल रहे थे, ये सब सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं और आखिरी सांस तक काम करते 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 मिल्लत के लिए जो है ना, जैसा मेरा बाप जो है ना मिल्लत इस्लामिया की गलियों के अंदर उनकी खाक छाड़ते हुए और उनकी खिदमत करते हुए उसकी जिंदगी का नसबुलैन था। चाहे तो मजलिस से मुअत्तली के बाद कभी तेलुगुदेशम ने बुलाया आओ खान साहब हम तुमको मिनिस्ट्री देंगे, कभी किसी और ने बुलाया तो ठोकर पे मारा, मुझको लाल बत्ती हरी बत्ती की ख्वाहिश नहीं है, मैं तो जो है सिर्फ मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी को वक्फ करूंगा। वही कायम खान को अपनी आखिरी सांस तक साथ देखेंगे और साजिशें बहुत होती रहेगी। साजिशें कहीं उलमा भी हमारे खिलाफ में साजिश करते हैं तो कहीं बच्चलन औरतें भी मेरी खिलाफ में साजिशें करते हैं तो कहीं मुनाफिकीन का टोला भी मेरे खिलाफ में साजिशें करता रहेगा। खुदारा जब तक तहकीक ना करो सुनी सुनाई पे इक्तफा मत किया करो और जो है ना तहकीक करो और गलत साबित हुआ तो लटका दो मेरे को ले आकर जो है तू शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, शरीयत की खिलाफ वर्दी कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है कहकर मेरे खिलाफ में इंतकाम सारी कौम को इजाजत दे रहा हूं लेने के लिए। वाकिरु दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।